जिहड़ी चिरां तों इक गल आम पिंडां च रड़कदी सी कि एका नहीं, ओ अज एका हो गया। ये तां जिहड़ा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आ थोड़ा जिहा राउंडी है, ढीठ है, हार नहीं मानदा। सो गुरु दे चरणां च बेनती करदे हां कि छेती छेती गुरु घरे आवे मत्था टेके ते अपनी भुल बख्शा के संगत च बैठ के पंगत च बैठ के प्रशादा छके, असीं उहदे लई भी दुआ करांगे। मिस्टर प्राइम ने मैं मीडिया नूं बेनती करदा कि साडियां फोटो ना बनाओ, ये जिहड़े हत्थ खड़े हैं ये फोटो खिंच के दिल्ली वाले मीडिया नूं भेजो कि असीं शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी दे शहीदी दिहाड़े मौके अज खेती कानूनों खिलाफ किसान मजदूर एकता महासभा नवा शहर दे पिंड खटकड़ कलां विच रखी गई, जिस विच वड्डी गिणती विच नौजवानां किसानां मजदूरां सने हर वर्ग ने हाजरी भरी। इस दौरान किसान आगुआं ते होरनां गायकां ने स्टेज तों मोदी सरकार नूं जम के रगड़े भी लाए। उधर बब्बू मान ने भी स्टेज तों केंद्र दी मोदी सरकार खिलाफ जम के पड़ास कढ़ी है। बब्बू मान ने स्टेज तों प्रधानमंत्री मोदी नूं रौंडी प्रधानमंत्री कह के संबोधन किया, पर इस दौरान जो सब तो अहम गल निकल के सामने आई वह यह सी कि बब्बू मान ने ऐलान किया कि हुण किसान आगुआं ते नौजवानां विचाले एका हो चुके है। सारयां नूं सत श्री अकाल। बाबा गुरु नानक देव जी दे चरणा च मत्था टेकन वाले सारे मेरे वीर, गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो बड़ी इस अंदोलन दे करदे भाई इधर हो जाओ ओके। सब तो बड़ी खुशी साढ़े हिस्से आई है जिदे च सब तो वध योगदान ये साढ़े कबड्डी वाले नौजवानों का, ये मंगी ते बाकी साथी ते उदों वड्डा योगदान साडा छोटा वीर मनतीर ते गाजी होरां दा, जिन्हां ने बैठ के एक सलाह बनाई ते सानू भी शामिल करिया। सो जिहड़ी चिरां तों इक गल आम पिंडां च रड़कदी सी कि एका नहीं, ओह अज एका हो गया। तो एक नारा बाबा जी दे चरणां च आपां इह कह के लाउणा है कि भविख च बच्चे बुढ़े बजुर्ग नौजवान साडा इको राह है भी अगे ये अंदोलन ये तां जित्तिया जताया है। ये तां जिहड़ा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आ थोड़ा जिहा राउंडी है, ढीठ है, हार नहीं मानदा। सो गुरु दे चरणां च बेनती करदे हां कि छेती छेती गुरु घरे आवे मत्था टेके ते अपनी भुल बख्शा के संगत च बैठ के पंगत च बैठ के प्रशादा छके, असीं उहदे लई भी दुआ करांगे क्योंकि असीं भाई कन्हैया दे भी बच्चे हैं, सानू कोई दुश्मन भी नहीं लगता। साडी लड़ाई जरूर है पर असीं कदे किसे दा माड़ा नहीं सोचते, और अगां भविख च असीं कोशिश ये भी करते हैं। उपराला तो इन्होंने जथेबंदियों ने भी साढ़े रल के बहुत किया, मनजीत सिंह होरां ने, पर एक बेनती मनजीत सिंह नूं भी करते हैं भी दुआबे वालियां तो कट्ठियां कर लियो तुसीं छेती छेती, जिहड़ियां दुआबे दियां जथेबंदियां इन्हां दी एक बनाए दई आपां आउण वाले दिनां च, इक ताड़ी मार दिओ जोर दी, क्योंकि जे सत सत दी इक बनाती सत चौका अठाई पहलां चार बन गईआं उपर चार रह गईआं उन्होंने एक बना के हौली हौली फिर एक ही कर देंगे। सो असी सारे दे एके दे मदई हैं, हामी हैं, असी चाहते हैं कि आपस साड़ी तकरार ना होवे, समाजिक मीडिया ते साड़ी शैली ओही होवे जिस तरह के साडे किरदार हैं, घटिया पद्धर ते ना उतरीए, अपने आनू गाला कढ़णियां बंद करिए, जे लड़ना है तो अपनी लड़ाई नहीं लड़ना, अपने पिंड की लड़ाई लड़नी है, अपने देश की लड़ाई लड़नी है, अपनी कौम की लड़ाई लड़नी है। सो असी उम्मीद करते हैं कि बहुत छेती ये संयुक्त मोर्चा भी अगले धरने तक इको मोर्चा आऊगा जिदा ना होवे पंजाब किसान मोर्चा। सो महाराज मेहर करन, गज के आखो हाँ मनजीत बोलूगा, मनजीत साडा ही है।
सो जिहड़ी मैं तुहानूं गल दसणी है तुहानूं शायद नहीं पता, जिद्दण दा अंदोलन चल रहा है ये जिहड़े साडे कबड्डी वाले नौजवान है, जिन्नी सेवा इन्हां ने करी है शायद नहीं किसी ने करी, पर ये वह नौजवान है जिन्हां ने कदे क्रैडिट ही नहीं लिया, तो मैं इन्हां नूं तुहाडे रूबरू जरूर कराऊंगा। मंगी सो अज दे इस महंगे दौर च कोई है जिहड़ा कम करके अपनी पोस्ट या सैल्फी पा के ये क्लेम ना करे भी मैं ये कम करिया, पर वो नौजवान है, ये बाबा गुरु नानक साहब के चरणों नूं समर्पित है, ये सिर्फ ते सिर्फ सेवा करते हैं, एक जयकारा कबड्डी वाले के नाते बोले सो निहा, सारे हाथ खड़े करके एक बारी। बब्बू मान ने इस दौरान पंजाब दी कैप्टन सरकार नूं वंगारिया। बब्बू मान ने मांग की थी कि पंजाब दी कैप्टन सरकार दिल्ली विच नौजवानों ते दर्ज हुए केसां नूं पंजाब विच तब्दील करवाए ताकि इन्हां केसां दी पैरवाई किसान सौखे ढंग नाल कर सकन। मिस्टर प्राइम ने मैं मीडिया नूं बेनती करदा कि साडियां फोटो ना बनाओ, ये जिहड़े हत्थ खड़े हैं ये फोटो खिंच के दिल्ली वाले मीडिया नूं भेजो कि असीं ये कैमरे पिछे कमाओ, बाहां उपर है भाई तुहाडियां, कमा लो इन्हां नूं, कमा लो, एक मिनट इत्थे ही रखियो, कमाला पुत्रा कमाला संग लगदी है। जे पंजाबी हद्दां ते लड़ सकते हैं, जे पंजाबी देश की राखी कर सकते हैं, तो साडे कोल सबर भी बहुत है। बाबा गुरु नानक साहब ने सानूं सिखाया, और करूँगा पंजाब सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है जेड़े केस दिल्ली च रजिस्टर होए हैं वो केस इत्थे लियांदे जाण ताकि असी सुचजे ढंग नाल पैरवी कर सकी। सो साडे नौजवान जल्दी तो जल्दी बाहर आ जाण ते अगाऊं भविख च असी कोशिश करिए शांति नाल ही जितिए, शहीद आजम भगत सिंह के चरणों च मत्था टेक के प्रण करिए कि अपने लिए नहीं अपनी कौम ते अपने कुण वेली लड़ांगे। सो दो शब्द मनजीत सतसंग जी गज के बुलाओ, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिवें बब्बू भाई ने कहा, मान साहब ने कि आपां दुआबे वाले तां कट्ठे हो गए ते आपां पंजाब नूं भी कट्ठिया करना है। बाई का पहले दिन तो यह कहना है कि आप सारे पंजाब वाले कट्ठे हो जाइए। मैं इस गल का हामी बनता है कि जे कट्ठे होना है तो जिहड़ी मेरी ड्यूटी लाओगे असीं उह ड्यूटी निभावांगे, बेशक एक प्रधान हो जाए पूरे पंजाब का, सानू कबूल है, कबूल है। बोले सो निहाल, एक नारा कबड्डी वाले वीर। मैं कहांगा पहले दिन तो जिहड़ी बब्बू भाई ने गल कही पहले दिन तो उत्थे बिल्कुल संतरी बन के ड्यूटी निभाई, पर अज तक कदे फोटो नहीं खिचाई। एक कबड्डी वाले वीर की देन है, मंगी मेरा वीर नन्नी गोपालपुरिया, मनजोत माछीवाड़ा, साडा टोनी वीर जेड़े संधु साहब पहले दिन तो ड्यूटी निभा रहे ने, इन्हों के नाम से जकारा। बोले सोनिहाल, यार बहा नहीं खड़िया कर दे, क्यों जदों बाबे कहिंदे ने निहाल हो जाए निहाल नहीं होना चाहते, बुलाओ फिर जकारा। बोले सोनिहाल, ऐदा आओ मंगी वीर मेरा, बोले सोनिहाल। बाकी असी इस अंदोलन दे विच शुरू तो जुड़े हैं, साढ़े कई भरा सारे जुड़े हुए हैं, तो जिवें बाई जी ने कहा वा तो बाई जी के लक्ष्य कदम से चुने चले हैं। इत्थे मैनू ज़्यादा बोलना तो नहीं आता, पर फिर भी माड़ा मोटा दो शब्द कहूँगा जो जो पिछले कुछ दिनों होया वा। बाई ने यह गल कही सी जे तो सारे कट्ठे करते हैं फिर तो आवेंगे, जे कल्ले कल्ले करनी है फिर नहीं आते। तो बाई जी के कहने ही सारे इकट्ठे हुए, जथेबंदियां भी इकट्ठे हुई वा, सिख जथेबंदियां भी इकट्ठिया हुई, नौजवान भी इकट्ठे हुए, तो मेरे हिसाब न अज के एक तो वध के होर संदेश कोई नहीं जा सकता, क्योंकि इतने हर एक साडा भरा वा, चाहे जेलों के चाहे बहर आ चाहे किसी पर केस आए भी लड़ांगे जी। सो निहाल, सत श्री अकाल। फिलहाल हुण जदों खटखट कलां दी स्टेज तों एके दी गल हुई तां आउण वाले दिनां विच दिल्ली दे मोर्चे मुड़ तों पखण दे पूरे पूरे आसार बन गए ने। हो सकदा है कि जिहड़े थोड़े बहुत नौजवान घरां नूं वापस मुड़ आए सी
ਉਹ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮੁਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਮਿਲਣ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।